मैं आपकी दोस्त योगिता पाटिल श्री समर्थ पेट शॉप एंड दुर्गा पेट से। जो आज टॉपिक है वो एक ब्रीड है जो एक्जोटिक में जाती है, वो ब्रीड है पूडल। पूडल में बहुत सारे कलर आते हैं अभी, जैसे कि ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, एप्रिकॉट कलर है, एप्रिकॉट में लाइट आता है, शेड वाइट आता है, उसके बाद ग्रे कलर आता है। तो ये जो है ब्लैक कलर का पूडल है। पूडल में मिनीचर आता है, टॉय आता है, स्टैंडर्ड आता है, ये तीन है। ये टॉय पूडल में आता है ये पूडल। ये ब्लैक कलर का पूडल है, इसमें थोड़ा सा ग्रे शेड भी आएगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा वाइटिश, वाइट मतलब वही ग्रे शेड में आपको दिखेगा। ये ब्रीड आपको 11 to 12 इंचेस तक आएगा टॉय ब्रीड में, टॉय में। और इसमें आपका जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाइट जो होगा वो 12 इंचेस के आसपास रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं। और इसमें अगर आप ब्रीडिंग भी करना है या फिर हम लोग ब्रीडिंग भी करा भी कैसा, ये सिक्स मंथ का फीमेल है जो ब्लैक कलर में है मेरे पास। तो हम लोग टॉय पूडल का ये एक्जोटिक ब्रीड में आएगा आपको, ये कॉमन आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो रेट भी थोड़ा सा हाई है इसका, बिकॉज ये कॉमन में मिलेगा नहीं। और जब टॉय में आएगा तो उसको दो से तीन ही पपी हो सकते हैं। जब आपका थोड़ा सा मिनिएचर में आएगा तो आपको 6 पपी आएगा, और अगर आपका ये स्टैंडर्ड पूडल में है तो ये 8 से 10 पपीज में आएगा इसके वजह से, बिकॉज हर एक का ब्रीडिंग नहीं है। ये कॉमन कलर कॉमन ब्रीड में नहीं आएगा, ये एक्जोटिक ब्रीड में आएगा। अवेलेबल हो जाता है, बट जैसे अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर है, रेट थोड़ा सा हाई है, बट इनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्लस इनका कोई मतलब एक नॉर्मल एक्सपेंस है शिजू लासा की तरह। इनका हेयर है ना थोड़ा सा मतलब जो कर्ली टाइप होता है वो होता है, वॉश के बाद ये थोड़ा सा ओपन हो जाता है, बट ये देखा जाए तो ये कर्ली लुक में अच्छे लगते हैं और इजीली मैनेजेबल है, और कोई टेंशन भी नहीं है, आराम से मैनेज हो जाता है, आप घर में रख सकते हो। बहुत क्यूट ब्रीड है, बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है, क्योंकि आज मैं ये देख रही हूँ इनका जो ब्रेन है ना, मतलब बाकी आता है सब ब्रीड बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट इनका डिफरेंट ही है। मैं खुद सर्च कर रही हूँ, एज अ ब्रीडर मैं बोल रही हूँ, बट इनका इंटेलिजेंट डिफरेंट ही है। जितना है एज अ फैमिली मेंबर आप देखोगे ना, तो आप इसको जैसा आप उसको स्ट्रक्चर मतलब बोल सकते हैं कि मोल्डिंग स्टेज में पपी स्टेज में लोगे तो बाद में वो ऑटोमेटिक आपको एक यूनिक सा आप उसका टैलेंट है वो जो बाहर आ सकता है, वो डिपेंड है। थैंक यू सो मच। अगर इस रिलेटेड मैं दूसरा भी वीडियो दूसरा कलर में, जैसे एप्रिकॉट कलर में है, उसका भी उस वीडियो पोस्ट कर दूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।